अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड दोस्तों, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है। जी हाँ दोस्तों, गणित के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है क्वेश्चन पेपर में 14 नंबर का आता है। कभी कभी दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न 5 नंबर के यही से बनता है, अति लघु उत्तरीय भी यही से बन जाता है। मतलब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो हो सकता है कि गणित में आपके 25 में से 25 अंक बन जाए। चलिए आज का पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, एडीसी अगर हमारा 100 अंश है, अगर दोस्तों ये कोण हमारा 100 अंश है, देखिए जो ये एसीबी होगा, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, ये 90 अंश हो जाएगा। ये दोस्तों अगर ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। अगर ये डी 100 है तो बी वाला ये कितना होगा इसका दोस्त, अगर हम बी को एक्स मान लेते हैं, अगर ये 100 है तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो यहां से हमारा एक्स का मान आ जाएगा 100 में से 180 में से 100 घटेगा, 80 अंश बचेगा। ये दोस्तों कोण हमारा हो जाएगा 80 अंश। और ये वाला दोस्तों हमें कोण निकालना है बी ए सी, ये वाला कोण निकालना है। तो कैसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर इसको मान लेते वाई है, एक कोण हमारा 80 अंश है, एक 90 है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, ठीक है। तो वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 9, 8, 17, 180 माइनस 170 अंश, तो वाई का मान आ जाएगा हमारा 10 अंश, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला प्रश्न है गुणनखंड करने को लेकर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे, 42 गुणे 1 कितना हो गया 42, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह मतलब घटाकर कितना आना चाहिए, यहाँ एक्स के साथ क्या है 1, तो 7 6 42, अगर 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, तो -7 करेंगे प्लस का 6, तब यहाँ -1 आएगा। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 206x माइनस का 42, एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस 7 बचेगा, प्लस का 206 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 7 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक्स माइनस 7 दोनों तरफ एक्स माइनस 7 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा एक्स माइनस प्लस का 6, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय, याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि दोस्तों जो ब्याज है छमाही चक्रवृद्धि देय, छमाही की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो ब्याज है छमाही देय है, इसलिए दोस्तों जो यहाँ पर 10% दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आर का मान देंगे, रेट मतलब लिखेंगे 10/2 कर देंगे, छमाही है ना, इसलिए तो हो जाएगा हमारा 5%। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा ए बराबर 1000, ये जो दिया गया 1+2 R/100, आर जगह 5 हो जाएगा बटे 100, वर्ष 1 है ये 1, तो हो जाएगा 1000 5 × 10 = 0, 21/20, मतलब ये 1000 × 21 हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब दोस्तों देखिए जरा, यहाँ पर जो हमारा समय है ना, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 1 साल का तो हमें निकालना था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारा छमाही हो जा रहा है, तो इस वजह से दोस्तों जो हमारा टी का मान होगा यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 21/20 × 21/20, 1 2 0 से 1 और 2 0 कट गया। सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा 10 × 21 × 21/4, यह आगे हमारा सॉल्व करने पर 11.02.5। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सी आई का मान आएगा 1102.5 माइनस का 1000, घटाने पर दोस्तों हमारा कितना प्राप्त होगा 102.5 रुपये, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई और छात्रों की संख्या यहाँ पर दी गई है, ऊंचाई छात्रों की संख्या एफ एक्स, ठीक है, ऊंचाई दोस्त यहाँ पर दी गई है छात्रों की संख्या, जो भी है दोस्त इसको जोड़ लेंगे, यहाँ से हमारा सिग्मा एफ का मान आएगा, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों 110 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 330, 120 में 4 का गुणा करेंगे 480, ये मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स निकाल दिया गया। तो हमारे जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 2640 अपॉन में 20 किए तो हमारा आंसर आ गया 132। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न,
हर एक प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 25 की घाते -3 यहाँ पर लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/25 की घाते 3। गुड़े दोस्तों 1/8, गुड़े दोस्त 1 3 की घाते -3, इसको लिख सकते हैं 1/3 की घाते 3। इनटू में इस संख्या पलट जाएगी, 3/4 की घाते हम कर सकते हैं प्लस का 2। गुड़े 10 की घात 2। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। 1/2 हो जाएगा 25 × 25 × 25, गुड़े हो जाएगा 1/8 × 1/3 × 3 × 3 इंटू में 200 आ जाएगा 3 × 3 / 4 × 4 × 4 × 10² = 100। सॉल्व करने पर दोस्तों जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जरा समझिए, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 4 से 1 = 4 कट गया, इतना खत्म। 2 × 3 = 2, 3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों नीचे जो आएगा हमारा 1/60000, ये हमारा आंसर होगा। आज का अगला प्रश्न क्या रहा? एक कार दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मतलब दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी? चाल का फार्मूला याद रखिए पहले दोस्तों, जो होता है दूरी बटे समय। तो चाल दोस्तों हमारी पहले कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूरी नहीं पता दोस्तों, दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, समय दोस्तों हमारा 3 दिया गया, तो यहाँ से एक्स मान आ जाएगा 30 × 3 = 90 किलोमीटर दूरी आ गई, ठीक है। अब दोस्तों उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी? समय का दोस्तों फार्मूला, अब देखिए समय इधर चला जाएगा तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी होगी दोस्तों हमारी, बताइए, अभी हमने निकाला 90, चाल दोस्तों यहाँ पर अब कितना हो जा रहा है? 40, उसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9/4 घंटा, ठीक है, इतना हो गया। तो बस यही आंसर हो जाएगा। आप 9/4 को हम 4 से भाग करेंगे क्या होगा बताइए? 4 × 2 = 8, 1, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4 घंटा, ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, गुणनखंड हमें करना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले x कॉमन ले लेंगे, x² - 1 बचेगा, या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b² का फार्मूला क्या होता है? x - 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x+1 हो जाएगा, x+1 होगा ना, a नहीं, ठीक है, इतना आंसर। बताइए कितने आसान आसान प्रश्न है, वही होता है आप लोग फिर सोचते हैं कि सर प्रैक्टिस कर लेते। बताइए 2021 में अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे? मात्र 2 लाइन में बताइए आंसर आ गया। थोड़ी सी अगर आपको नकल मिलती तो आप लोग तो भाई एक अच्छा स्कोर करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्या रहा हमारा क्वेश्चन कि 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन दिया गया 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, नए बने घनाम का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम भुजा पहले निकाल लेते हैं, आयतन दिया गया तो भुजा बराबर दोस्तों होता है, कैसे निकालेंगे? देखिए आयतन का मतलब दोस्तों होता है a³ = दोस्तों दिया गया 1728, यहाँ से दोस्तों हमारी जो भुजा आ जाएगी यहाँ पर हो जाएगा √1728, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 × AB + BC + C × A, यही होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 घन जिनमें से प्रत्येक आयतन दिया गया उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, नए बने घनाम का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जब परस्पर जोड़ देंगे तो दोस्तों एक सिरा हमारा हो जाएगा 24, ठीक है, तो 2 × 24 × 12 हो जाएगा, प्लस का 12 × 12 प्लस का दोस्तों 12 × 24 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 × 24 ×12 करेंगे आ जाएगा 288, 12 × 12 144 प्लस दोस्तों 12 × 24 288, ये आ जाएगा दोस्तों 2 × मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा, जोड़ने पर ही आ जाएगा 8 × 8 = 16 × 4 = 20, 720 आ जाएगा टोटल। तो 200 गुणा कर देंगे, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 1440 cm², ठीक है, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि नीचे दी गई सारणी को आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दिया गया बारंबारता, दोस्तों एक तरफ पद लिख लेंगे, एक तरफ बारंबारता, × f(x) अगर हमें निकालना रहेगा तो 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24, 8 × 2 = 16, 10 × 2 = 20, 12 × 6 ये आ गया। तो दोस्तों जो बारंबार था सबको जोड़ लेंगे, 3 × 4 कितना हो गया? 7, 2 × 9 = 11, 6,
17, 8, 25 हो गया, ठीक है। वैसे 212, 24, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा। समांतर माध का फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 256 बटे 25 करेंगे तो 10.24 हमारा ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श संख्याओं की रचना करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वृत्त है ना, यहाँ पर इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर से दो रेखाएं खींची गई, बस यही हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। यदि दोस्तों ए बराबर दिया गया एक्स अनुपात ये सब एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 के गुणनखंड बी बराबर x+2 x-3 हो तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हमें बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले ए और बी का मान हम अलग अलग निकाल लेंगे। या दोस्तों ए बराबर दिया गया था हमारा, इसको जरा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x+6 है, 6 का गुणा इधर तक, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 9, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x-2x+6। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 बचेगा, एक्स माइनस 3 दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, x-3 x-2, ठीक है। यहाँ से हमारा ए का मान आ गया ये, और बी का मान दोस्तों हमारा दिया गया है x+2 और x-3, ठीक है। अब हमें दोस्तों सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब दोस्तों दोनों में जो कॉमन होगा x-3 आपको दिख रहा है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा x-3, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में भाई सब कुछ हम रख लेंगे, क्या क्या है, x-3 है, x-2 है और x+2 भी है, ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन बोला गया सरल करना है, -3/2 की घात 2 की घात -3। अब दोस्तों -3/2 की घात 2 करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पहले, तो 9/4 हो जाएगा, इसकी घात है -3। तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बताइए। तो सबसे पहले काम हम कर सकते हैं, इसको अगर हम संख्या को पलट दें, 4/9 कर दें, तो जो घात माइनस में ये घात हो जाएगी हमारी प्लस में, ठीक है। तो 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64, 9 का क्यूब होता है 729, 9×9=81 और 9=729, ये आंसर आ जाएगा। 2022 में दोस्तों देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा भी गया DLET, ठीक है ना, लापरवाही नहीं करना ऐसे प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या दी गई दोस्त इतनी से बढ़कर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 1157625, 1157625 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, DLET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो क्वेश्चन जल्दी में पूछा जाता है भाई, उनको तो हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा ए बराबर हो जाएगा, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन 1+R/100 की पावर। ये अब दोस्तों हमारा जो मूलधन जो भी था ये फार्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1157625 = 100, ठीक है, 0, फिर 3 बार और 0, ये हो गया 1+R/100 की पावर 3। यहाँ से दोस्तों लोग आर का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, तो थोड़ा सा कठिन भी है, देखिए इतना आसान हर क्वेश्चन नहीं होता, एक बात याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं। तो चलिए इसको 1157625 अपान में दोस्त यह आ जाएगा 1000000 = 1+R/100 की पावर 3। ये दोस्तों जो हमारा ऊपर लिखा है ना, ये दोस्तों हमारा 21 का क्यूब है। एक सेकंड रुकिए, पहले हम आपको बताते हैं इसमें कुछ चीजें और हम इसमें परिवर्तित करेंगे। इसको दोस्तों पहले हम भाग भाग करके देखते हैं कि कौन सी संख्या से इसमें हमारा भाग जाता है। तो 5 से भाग करिए पहले, 5 × 2 = 10, 1 2 0 ये 1 2 3, ठीक है। अब इधर भी 5 से भाग करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 1=5, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 5=25, ठीक है। तो इसमें अब 200 कितने जाएगा भाग बताइए आप लोग। अब इसमें हम लोग भाग दे देते हैं डायरेक्ट, 25 से भाग दीजिए या 5 5 करके 2 बार, 25 से भाग देंगे, 25 8 200 1 2 3 0। यहाँ पर दोस्तों भाग करेंगे 25 से, यहाँ पर भी 25 9 225,
261 ये आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा भाग करने पर आएगा 9261 अपॉन 8000 बराबर 1 प्लस दोस्तों आर बाई 100 की पावर 3। ये दोस्तों जो लिखा है 9261, ये दोस्तों हमारा होता है 21 का क्यूब, 21 गुड़े 21 गुड़े 21 लिखेंगे तो 9261 आएगा, और नीचे 20 गुड़े 20 गुड़े 20 करेंगे तो हमारा 8000 आएगा। मतलब ये हो जाएगा 21/20 की घाते 3 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। तो दोस्तों जो हमारी ये क्यूब क्यूब है ये कट जाएगा, बचेगा कितना 21/20 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 21/20 माइनस का 1 बराबर आर बाई 100। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, 20 एकम 20 बचेगा 1 अपॉन 20 बराबर आर बाई 100, 20 × 100 ये आर बराबर हमारा आ जाएगा 5%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाँ जब प्रैक्टिस आप करने लगेंगे रोज रोज ना तो फिर ऐसे प्रश्न में आपको मजा भी आने लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। एक दीवार की दोस्तों लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है तथा मोटाई दी गई है। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25, 10 और ये दी है। दीवार बनाने में कुल कितनी ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब दोस्तों देखिए जहां पर मीटर में दिया गया इसको पहले हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 5 × 100 कर देंगे, 3.5 मीटर है, ये भी 100 करेंगे। ठीक है, तो हमें दोस्तों बताना होगा ईंट की आवश्यकता। देखिए ईंटों की संख्या जो हमारी निकलती है दीवार का आयतन अपन एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन दोस्तों हो जाएगा 5 मीटर, मतलब ये सेंटीमीटर में करेंगे 500, 3.5 को करेंगे 350 सेंटीमीटर गुड़े 33 अपान में दोस्तों हमारा आ जाएगा 25 × 10 × 7.5, यहाँ था 25 था ना, 25 × 50 0, 1 0 से ये 200 कट गया। सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 3080 ईट। ठीक है, आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 7050 को इस अनुपात में हमें बांटना है, तो कैसे करेंगे ये भी हम दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले काम करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कि जो हमारा ये लिखा है 1/5 अनुपात है, 1/4 अनुपात है, 1/3, इसमें हम क्या करते हैं 3, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। लीजिए एलसीएम जरा, 3 × 3 = 4 लिखा दोस्तों और 5, अब 4 से ज़्यादा भाग करें, 4 × 4 = 5, अब 5 से कर लेंगे 1 1 1, 3 × 4 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, एलसीएम हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम 60 आ गया तो हम क्या करेंगे 1/5, ठीक है इसमें गुणा क्या कर देंगे 60 से, 1/4 × 60, 1/3 × 60 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 12 × 4 = 4, ठीक है 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा 20, इतना आ गया दोस्तों। तो हमारा जो अनुपाती योग आएगा, अनुपाती योग आएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा 12 + 15 = 27 हो गया, 37 = 47 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोस्तों हमें जो पहली राशि निकालनी है मतलब इसके अनुपात में बांटना है, तो जो फर्स्ट राशि आएगी वो क्या हो जाएगी बताइए, 12/47 गुणे दोस्तों हो जाएगा 7050, सॉल्व करने पर आएगा हमारा 1800 रुपये। दूसरी दोस्तों सेकंड राशि जो आएगी यहाँ होगा ना 15 × 47 गुणे 7050, ये सॉल्व करने पर आएगी हमारी दोस्तों 2250। तीसरी दोस्तों जो राशि आएगी कितनी आएगी 20 × 47 गुणे 2000 मतलब 7050 है ना, 7050, ये दोस्तों सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 1245 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10, 15 तथा 20 रुपए घटाए पर उनका आयतन 3:4:5 में रह जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं ना, जो हमारे 1245 है इसमें हम घटाते हैं, देखिए इसको बांटना है तो 10, 15 और 20 को जरा जोड़ के, जरा 10, 15 जोड़ेंगे 25, 35, 45, ठीक है 1245 में से हम 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 1245 − 45 बराबर आ जाएगा 1200। ठीक है, इतना आ जाएगा अनुपाती दोस्तों योग जो होगा, अनुपाती योग
ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये 3:4:5 है ना, तो 3 + 4 + 5, 4 × 3 = 7 = 5, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट भाग आएगा, प्रथम भाग आएगा, वो होगा, वो कैसे निकालेंगे? ये लिखा है 3 ना, 3/12 × 1200, 12 × 12 = 0, 300 दोस्तों आ जाएगा। दूसरा दोस्तों जो हमारा भाग आएगा क्या आएगा? 4/12 × 1200, ठीक है, 100, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति का 1245 में जो भाग होगा ना, इसको जो हम निकालेंगे वो इसको निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट व्यक्ति हमने निकाला है। तो जो ये 1245 में भाग होगा, इसको हम 300 में क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, तो हमारा 310 आ जाएगा। और द्वितीय व्यक्ति का दोस्तों जो 1245 में भाग होगा, जो हमारा 400 आया, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये 15 जोड़ेंगे, तो आ जाएगा हमारा 415। अब वैसे दोस्तों जब हम थर्ड व्यक्ति का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तीसरा क्या अनुपात, 20 आएगा ना, 20/12, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ 20 नहीं होगा, ये 5 होगा ना, जल्दबाजी में गलती करते हैं, 5/12 × 1200, 12 × 12 = 0, 0, ये हो गया 500। तीसरे व्यक्ति का दोस्तों जो भाग होगा वो कितना होगा, 500 + में ये होगा 20, तो आ जाएगा ये 520 रुपये, ठीक है, ये आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो आंसर आएगा, एक 520 आएगा, 415 और 310, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं जरा। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो, तो घनाभ की मापे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घनाभ की दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो दिया गया हमारा, क्या दिया गया है, 4:5:6, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4x 5x मान लेते हैं × 6x। तो दोस्तों जो हमारा घनाभ का आयतन आएगा, घनाभ का आयतन आएगा, क्या आएगा बताइए, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, मतलब 4x × 5x × 6x, तो 4×5 = 20, 6×120 × x³, ये आयतन आ गया। और दोस्तों क्वेश्चन में घनाभ का आयतन दिया भी गया है 960, तो घनाभ का आयतन दिया भी गया है ना, कितना दिया गया दोस्तों हमारा, 960 सेंटीमीटर³। तो एक काम करते हैं, जो हमारा 120 था, तो 120 बराबर दोस्तों x³ हो जाएगा 960, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 × 8 = 96, तो x³ दोस्तों हो गया 8, या x² हो जाएगा √8, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2। x² अगर हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो जो इसकी मापे आएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो हमने इसको 4x माना था, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर, 5x का मतलब 5 × 2 = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 6x का मतलब 6 × 2 = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 8, 10 और 12। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी आपको बतानी है। लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की जो दूरियां का अनुपात है दोस्तों, वो दिया गया है यहाँ पर, देखिए क्या अनुपात दिया गया हमें, 3:8। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी दोस्तों यहाँ पर जो दी गई है कितनी है, लखनऊ से इलाहाबाद के जो बीच की दूरी मान लेते हैं 200 दिया गया है किलोमीटर। माना दोनों दूरियां क्रम से दोस्तों क्या है, इसको मान लेते हैं दूरियां क्रम से है 3x है और 8x है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी देखिए, एक लखनऊ से कानपुर है हमारी 3x है, लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, मतलब ये 8x बराबर दोस्तों हमारा 200 है, तो x का मान निकालेंगे 200/8, 8 × 16 = 8, 45, x का मान आ गया हमारा कितना आ गया दोस्तों, 25, ठीक है। x का मान अगर 25 है, यहाँ 3x में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 25, तो हो जाएगा हमारा 75, इतना आ गया। तो लखनऊ से कानपुर के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 75 किलोमीटर होगी, बस ये मैं बताना था, ठीक है। हमारा x का मान दोस्तों कितना आ गया था, यहाँ पर 25 आया था, और जो ये हमने दूरियाँ मानी थी, 3x मानी थी, 8x मानी थी, अगर ये 25 का मान 8 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है, 25 का गुणा 3 से किया तो 75 आ गया,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि 35 को 3:4 के अनुपात में आपको विभाजित करना है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे होगा चलिए देखते हैं। तब तक देखिए आप लोग अपना प्रयास भी करिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 3:4 कैसे मान लेते हैं, 3x और 4x मान लेते हैं। अब देखिए इसको हमें 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है, तो इसको दोस्तों 3x प्लस 4x बराबर हो जाएगा हमारा 35। ये जोड़ने पर आ जाएगा 7x बराबर 35, ठीक है 35। तो यहाँ से दोस्तों हम x का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 35/7, तो 7 × 5 = 35, ठीक है 5 बार जाएगा ना। तो x का मान 5 आ गया, तो हमने पहली संख्या 3x मानी थी, दूसरी संख्या 4x, तो 3x बराबर हो जाएगा मतलब 3 × 5 = 15। 4x बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 × 5 = 4×5 = 20, तो 15 और 20, ठीक है ये हमारा आ गया 15 रुपये 20 रुपये, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1,050 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए आप लोग करने का प्रयास करते रहिए, हम आपको आंसर वैसे ही बताएंगे। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहले मान लेते हैं कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ पर 100 रुपये से मानते हैं, ठीक है 100 वर्ष का 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा 2% है ना, 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपये हो जाएगा 100 रुपये से, ठीक है तो ये समझिए पहले। और उसके बाद देखिए फिर 100 रुपये का यहाँ पर बोला गया था 6 वर्ष का मिश्र धन, तो 100 वर्ष का दोस्तों ये हमने 1 साल का ब्याज 2 रुपये है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 × 6 मतलब 12 रुपये हो जाएगा, ठीक है तो 100 रुपये का 6 वर्ष का दोस्तों दर से जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बनेगा बताइए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ठीक है प्लस का ब्याज। निकाल लेते दोस्तों हमारा मूलधन कितना था, यहाँ पर हमने 100 रुपये माना था प्लस ब्याज हमारा 12 आ गया, तो ये हो गया दोस्तों 112 रुपये, ठीक है। जब एक चीज समझिए यहाँ पर, जब दोस्तों हमारा मूलधन 100 रुपये था ये देखिए, तो मिश्र धन हमारा कितना बना 112 रुपये। तो अगर मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 1 रुपये है, तो मिश्र धन दोस्तों हो जाएगा 112/100 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया था 1,050, तो 1,050 रुपये जब मूलधन है, तो मिश्र धन दोस्तों हो जाएगा 112/100 × 1,050। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा 1,176 रुपये, ठीक है यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पी बराबर है 2,500, पी का मतलब हमारा मूलधन, ये मूलधन है दोस्तों, ये समय है 2 वर्ष 6 महीना, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो ब्याज दिया गया है, दर दिया गया मतलब 6% है, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे पहले अगर आपको नहीं पता था। तो मूलधन की जगह दोस्तों हम क्या रख देंगे 2,500, दर की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 6% है, और दोस्त यहाँ पर जो समय दिया गया 2 वर्ष, 2 साल 6 मतलब 5 महीना होगा ना, इस तरह समझिए 2.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 महीना लिखा था, अगर पूरा 3 साल होता तो यहाँ पर 3 होता, तो यहाँ पर 2.5, ये भी इंपॉर्टेंट था, नहीं तो यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हैं। बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 × 6 × 2.5 करने पर आएगा हमारा 375 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट में मिश्र धन पूछा गया है, ये हो जाएगा मूलधन प्लस का ब्याज, तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना था 2,500, ब्याज 375, जोड़ने पर 2,875 रुपीज, ठीक है यही आंसर हो। तो आज का अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, पहले हमें मूलधन निकालना है, तो बराबर होगा मिश्र धन गुणे 100 अपान में समय गुणे दर प्लस 100, ठीक है ये फार्मूला हम यूज करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों मूलधन कैसे निकालने के लिए, मिश्र धन हमारा दिया गया 575 × 100 हो जाएगा, अपान में दोस्तों समय, ठीक है समय देखिए कितना 3 वर्ष और दर दिया गया 5%, तो 3 × 5 प्लस में हो जाएगा 100, तो 575 00 ऊपर वाला 5 × 15 तो 15×00 ये आ जाएगा, 15 से भाग दे देंगे, 15 × 45, एक सेकंड दोस्तों एक सेकंड रुकिए,
एक हमसे गलती हुई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, नीचे जो हमारा हर है यहाँ पर हम लोग ने एक गलती की है, इसको पहले सही करते हैं। एक सेकेंड, देखिए जल्दबाजी में ये सब होता है। देखिए हुआ क्या ना, तो ये देखिए 5 से 15 हो गया, 15 प्लस में चिन्ह ऊपर गुड़ा का चिन्ह था ना, तो 15 प्लस 100 करेंगे तो हो जाएगा 115। ये 200 भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखना है, यह भी बताना है कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। तो देखिए फार्मूला होता है हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर / 100 की पावर समय। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 की पावर t। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ए का मतलब मिश्र धन अमाउंट है, पी का मतलब मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू, आर का मतलब रेट और टी का मतलब समय टाइम। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5,000 पे ये दोस्तों हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मूलधन हो गया, रेट आपका 10% हो गया, समय दोस्तों हमारा 3 वर्ष हो गया। पूरा ऐसे लिखेंगे आप लोग जब पेपर में, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी दिया गया 5,000 रुपये है। तो इसका जो फार्मूला होगा हमारा, अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन पी 1 + R/100 की पावर t। तो यहाँ पर दोस्तों 5,000 हो जाएगा, 1 + 10/100 की पावर 3, 1 0 से 1 0 कटा, 10 × 1 = 11/10 की पावर 3 ना, तो यहाँ हो जाएगा 5,000 इंटू में 11/10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5,000 इंटू में हो जाएगा 11/10 × 11/10 इंटू में 11/10, 1 2 3 0 ना, तो 1 2 3 0 कट गया। अब इसका हमारा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6,655 रुपये। अब दोस्तों हमें यहाँ बताना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा चक्र वृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन दोस्तों हमारा है 6,655, मूलधन हमारा 5,000 रुपये था, घटाने पर आ जाएगा हमारा 1,655 रुपये। ठीक है, यही आंसर होगा। आज का अगला प्रश्न क्या रहा, 1,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूलधन दोस्तों हमारा दिया गया है, ये पी हो गया, ये आर का मान है, ये टी का मान है। ठीक है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मिश्र धन वाला फार्मूला ए बराबर होता है पी 1 + R/100 की पावर t। तो पी का मतलब ये हो गया 1,000, 1 + R का मतलब 10/100 की पावर 2, कट गया, 10 × 1 = 11/10 हो जाएगा, मतलब 1,000 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10, 2 0 ऐसे कट जाएगा, 121 0, इतना रुपये दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया मिश्र धन। मूलधन दोस्तों हमें पता है, तो हमें जो ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस का मूलधन, तो 121 0 माइनस का 1,000 रुपये, घटाने पर दोस्तों आ जाएगा 210 रुपये। ठीक है, आंसर हो गया। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मतलब पी है, ये हमारा मूलधन, समय टी बराबर 2 वर्ष दिया गया है, आर दोस्तों जो हमारा रेट लग रहा है 8% है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद रुकिए रुकिए दोस्तों, इसमें क्या बताना है हमें, उससे कुल कितने रुपए मिले, मतलब हमें निकालना मिश्र धन ही है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं निकालना है। तो हमारा ए बराबर फार्मूला हो जाएगा, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R/100 की पावर t। पी का मान दोस्तों 5,000 रुपये, 1 + R की जगह 8/100 की पावर 2, 4 × 8 = 8, 4 × 5 = 20, 25 × 25 = 27 27/25 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 × 27/25 गुड़े में 27/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 × 50 = 25 × 25 = 25। ठीक है, 0 0 फिर 25 से भाग करिए, 25 × 8 = 200,
तो ये हो गया हमारा दोस्तों 8 गुणे 27 गुणे 27, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 5832 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हमें बैंक के कार्य बताने हैं। देखिए, बैंक की कार्य प्रणाली का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। धन जमा करने, उधार लेने, धन आहरण करने के लिए, धन को सुरक्षित रखने के लिए और ब्याज पाने के लिए। बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि के लिए और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है, जैसे स्कूलों की फीस जमा करना, पानी और बिजली के बिल जमा करना, करों का भुगतान, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, वेतन की सुविधा प्रदान करना आदि। खाते कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खाते अग्रवत हैं। पहले दोस्तों आता हमारा बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। सबके पास होगा, जो बच्चे इसमें वीडियो देख रहे होंगे लगभग लगभग। इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों की बचत भावना को प्रोत्साहित करना है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि जमा करके खोला जा सकता है। हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए आरण फॉर्म, विड्रा फॉर्म या चेक भरकर धन निकाल सकते हैं। खाते में न्यूनतम धनराशि 1,000 रुपये रखने पर जमाकर्ता को बैंक से चेक बुक भी प्राप्त हो सकती है। फिर आता है दोस्तों चालू खाते या करंट अकाउंट। बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन काम करते हैं, मतलब करते हैं। वे दोस्तों चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। कभी कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र का सर्विस चार्ज भी लेता है। सावधि जमा खाता, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर, ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है। फिर भी दोस्तों खाताधारी की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि के पूर्व भी ब्याज दर में कटौती कर भुगतान किया जा सकता है। सावधि जमा में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें ब्याज की गणना वार्षिक, छमाही या तिमाही में किया जाता है। फिर दोस्तों आवर्ती जमा खाता आता है। इसमें एक निश्चित धन जो 10 रुपये के गुणांक के रूप में होना चाहिए, प्रति माह निश्चित अवधि जो कम से कम 12 माह अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है। इसमें खाते में ब्याज की दरें बचत खाते की दर की अपेक्षा अधिक होती है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो नियमित रूप से अल्प धन राशि बचाना चाहते हैं। आवर्ती जमा योजना डाकघरों में भी संचालित होती है और इनकी ब्याज की दरें बैंक की ब्याज दरें से अधिक होती है। अल्पवयस्क खाता, 18 वर्ष की आयु से कम वाला व्यक्ति अल्पवयस्क, ठीक है, कहलाता है। अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है, उसे चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं होता। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने और अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से। अल्पवयस्क की आयु कम से कम 12 वर्ष होना आवश्यक है। 12 वर्ष की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। फिर दोस्तों बारी आती है चेक कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, देखिए ये सब प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब वाहक चेक हो गया, आदेशित चेक, रेखांकित चेक। देखिए, वाहक यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम से चेक काटा गया हो। अब रेखांकित चेक, जब चेक के बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य एंड सीओ नॉट, ये दो सो जो चीजें लिखी है इसको लिख देते हैं, ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। ए ऑब्लिक सी मतलब पे ओनली, या ये जो सो जो सब चीजें लिखी है इसको याद रखेंगे, ठीक है। पर चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु करंतु दोस्तों जो सीओ वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाता में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रति लघु गुणक या एंटी लॉगरिथम क्या है? किसी संख्या का प्रति लघु गुणक वह संख्या जिसमें लघु गुणक हमारी दी हुई संख्या है। इसके लिए पुस्तक के अंक में प्रति लघु गुणक की सारणी एंटी लॉग दी गई है। इसके पहले ऊर्ध्वाधर खाने में 0.00 से लेकर 0.99 तक होता है, तथा क्षैतिज खाने में लघु गणकीय सारणी की तरह होते हैं। प्रति लघु गुणक देखते ही समय भी लघु गुणक दशमलवांश के 4 अंकों तक आवश्यक है। दशमलव के बाद के 2 अंक ऊर्ध्वाधर खाने में तथा तीसरा अंक किसी
के लिए उसी क्षैतिज खाने पर तथा चौथे अंक के लिए उसी को आगे मध्यमान अंतर 1 से 9 तक जब तक यह कार्य हो सकता है। अगला प्रश्न आता है लॉग 2 बराबर 2 से ये दिए गए लॉग 3 का मान ये, तो 648 से घाते 5 में अंकों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमको आगे चलकर तैयार रहना है। देखिए पेपर में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये नहीं डिपेंड होगा कि आपके हिसाब से का क्वेश्चन है, जैसे लिखा लॉग 648 की घाते 5, तो ये दोस्तों जो घात होती है हमेशा ये पहले आ जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे 5 लॉग ये दिया गया है। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 648 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 × 3 की घात 4। इसका दोस्तों हम फैक्टर निकाल लिए होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 5 log 2 की घात 3 + log 3 की घात 4, तो ये 3 आगे आ गया, यहाँ पर 4 आगे आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों log 2 की वैल्यू रख दी गई 0.3010, 3 की वैल्यू होती है 0.771, तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया गया दोस्तों। और लास्ट में ये यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक 14 है, अंकों की संख्या दोस्तों 14 + 1 मतलब 15 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। 648 का क्या किया गया जरा ये भी दिखाते हैं। 2 से भाग किए 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। फिर 200 से भाग करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 से भाग करेंगे 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 3 से भाग करेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, फिर 3 से भाग करेंगे 3 × 9 = 27, 3 से भाग करेंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3 × 1 = 3, 3 4 बार आ रहा, 2 3 बार आ रहा है, ऐसे 2 की घात 3 × 3 की घात 4। यहाँ पर दोस्तों आप वही देख रहे होंगे यही लिखा था, ठीक है, ये हमने गुणनखंड किया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अब हमें देखिए सिद्ध करना है 5 log 3 − log 9 = log 27 के। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड 5 log 3 और log 9। अब 9 को दोस्तों हम क्या फैक्टर करेंगे, 3 × 3 = 9, वे 3 × 1 = 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये लिखा है 9 को 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा log 3 log 3, ठीक है। तो अब 5 में से दोस्तों सीधे 2 गया, बचेगा 3, 3 log 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों या तो आप ये कर सकते हैं ना, ये जो इधर आएगा तो इधर घाते दोस्तों क्यूब में हो जाएंगे, log 3 की घाते 3 मतलब 3 × 9 = 27, ये हो गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत लगे देखिए आपको कमेंट करेंगे, ऐसे परेशान आपको नहीं होना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करेंगे, आपको इसका आंसर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न को परिभाषित करना, शेयर क्या होता है, भागीदार, लाभांश, शेयर का वास्तविक मूल्य, बाजारी मूल्य। पहले दोस्तों देखेंगे शेयर क्या होता है। वर्तमान युग उद्योग प्रधान युग है, अतः किसी भी उद्योग के सफल संचालन हेतु कुछ ऐसे साझेदारों की आवश्यकता होती है जो रुचि पूर्वक उस उद्योग को चलाए और समय समय पर बैठकर उद्योग की उन्नति के बारे में भी सोचे, ठीक है। अतः उसके लिए वे साझेदार मिलकर एक कंपनी स्थापित करते हैं तथा उसके सफल संचालन के लिए डायरेक्टर्स चुन लिए जाते हैं। किसी भी उद्योग धंधे को अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को शेयर कहते हैं। शेयर 1, 5, 10 या 100 रुपए के होते हैं। भागीदार आप किसे कहते हैं, शेयर होल्डर। शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उनको लाभांश मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। फिर बारी आती है लाभांश की। कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। शेयर का वास्तविक मूल्य आपको बताना हो, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं, बाजारी मूल्य। बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य कहा जाता है। एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर 12.50 में बिक रहे हैं, बताओ शेयर होल्डर्स को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। 10 रुपए के शेयर पर लाभ दोस्तों हो जाएगा 2.5 × 10/100, ठीक है। यहां पर आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको ये कैलकुलेशन भी थोड़ी यहां पर अच्छी होनी चाहिए। 10 का 1 0 और आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 25/100, 25 × 100, 1/4 दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और 4 से इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.25 रुपए। 10 रुपए के शेयर का बाजार मूल्य दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 12.50। 10 रुपए के शेयर का बाजार मूल्य 12.50 है, तो
12.50 पर जो लाभ मिल रहा है दोस्तों हमें कितना मिल रहा है ये देखिए 0.25 रुपये। तो दोस्तों 100 रुपये पर जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा 0.25 × 100/12.50। ये दो अंक पर दशमलव, ये दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों जो हम भाग करेंगे हमारा आ जाएगा 2। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो ऊपर देखिए 100 × 25 है तो 2500 हो जाएगा, 2500 में 1250 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, सिंपल था, हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक क्रेता को अपने एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो तो क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। देखिए पहले शेयर का बाजार मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 40 रुपये है। खरीदे गए कुल शेयर की संख्या दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 है। ठीक है, तो क्रेता को प्राप्त मूल्य होगा 40 × 300 मतलब 12,000 रुपये। एक शेयर का अंकित मूल्य दोस्तों हमारा कितना है 10 रुपये है। खरीदे गए शेयर दोस्तों 300 है तो अदा की गई जो रकम होगी 10 × 300 मतलब 3,000। जो हमारा दोस्तों लाभ आएगा ये 12,000 में से हम 3,000 घटाएंगे तो 9,000 का हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों एक एक करके सभी क्वेश्चन को हमें हल करना है। अगला प्रश्न क्या रहा, शेयर और ऋण पत्र में अंतर आपको समझाना है। शेयर अंश कंपनी की पूंजी का अंग होता है और कंपनी से वापस नहीं करती है जबकि ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है। यह शेयरधारी कंपनी का हिस्सेदार मालिक होता है, वहां ऋण पत्र धारक केवल कंपनी को ऋण देता है और उसका हिस्सेदार नहीं होता। इसी प्रकार शेयर का लाभ आधारित विभिन्न दरों पर लाभांश दिया जाता है जबकि ऋण पत्र पर पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है। चाहे भूली कंपनी घाटे में जा रही हो ब्याज का परिकलन प्राय छमाया छमाई अथवा वार्षिक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समुच्चय की गणना किन विधियों से की जा सकती है। पहला दोस्तों देखिए सारणीय अथवा रोस्टर विधि। समुच्चयों को निरूपित करने वाली इस विधि के अंतर्गत हम किसी समुच्चय के समस्त अवयव को मजले कोष्टक मतलब ये देख सकते हैं में लिखते हैं एवं उन्हें पृथक करने हेतु उनके बीच में अर्धविराम लगाते हैं। उदाहरण के लिए दो से एन मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये 1, 2, 3, 4 up to 7। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है इसको देखते हैं। यह किसी समुच्चय को निरूपित करने की लघु विधि है। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयव को एक्स वाई इत्यादि से लिखते हैं तथा इनके गुणों को चिन्ह ये दोस्तों देख सकते हैं ऐसा है कि पृथक करते हैं। उदाहरण के लिए रोस्टर विधि में दोस्तों ए का मान देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है वाविल है। गुण विधि में दोस्तों ए बराबर दोस्त एक्स ये ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों विधि आपको दोस्तों हमेशा पेपर में देखने को मिलने वाली है, रोस्टर विधि और गुण विधि। अगला प्रश्न आता है अंडर रूट 12.35 का मान लघु गुणक के प्रयोग से ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पूरा जो है अंडर रूट में 12.35 ये एक्स के बराबर है। तो दोस्तों दोनों तरफ क्या करेंगे अब लॉग ले लेंगे, यहाँ लॉग एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब होता है कि 12.35 अंडर रूट हटेगा तो इसका मतलब ये होता है घाते में 1/2। तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 हो जाएगा, आगे लॉग आ जाएगा 12.35। ठीक है, तो देखिए हर एक तरीका आपको आना चाहिए क्वेश्चन करने का, नहीं तो फिर देखिए बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों जो भी ये मान है यहाँ से इसका मान जो निकलेगा हमारा 1.0917। अब दोस्तों क्या करेंगे, दो से इसको हम भाग कर देंगे, दो से भाग करने पर 0.54584 आएगा। ठीक है, तो आगे दोस्तों देखिए इसका मतलब ये है 0.5459 लिख लेंगे। इसको दोस्तों 10^0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10^0 का मतलब होता है दोस्तों 1। किसी भी वैल्यू का मतलब मान 1 है तो किसी भी मतलब गुणे में कोई भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा ये बताइए, नहीं होगा ना। तो वही बात, तो यहाँ पर दोस्तों हम आगे क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर लॉग एक्स था तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा एक्स बराबर, फिर से एक्स बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा एंटी लॉग 0.5459 × 10^0। तो इसका मान दोस्तों आ जाएगा 3.515 लगभग में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 515। ठीक है ना, अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। 2.7/11.3 को लघु गुणक की सहायता से हमें हल करना है। चलिए इसको आप लोग प्रयास करिए, इसको हम तब तक मिटाते हैं।
तो ये वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना। तो कुछ खाने पीने का सामान आप लोग भी लेके बैठिए, ठीक है। आप सोच रहे हो सर आप अकेले अकेले कुछ खा रहे हैं, तो आप लोग भी, वीडियो बड़ी है, अब ऐसे आप वीडियो देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि लघु गुणक की सहायता से आपको इसको हल करना है। ऐसे एक दो क्वेश्चन देखिए आप लोग कर देंगे ना, तो आप अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले दोस्त इसको हम क्या मानेंगे, x बराबर मान लेंगे 2.7/11.3, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग x बराबर हो जाएगा लॉग 2.7, ये दोस्तों माइनस में चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो लॉग 11.3। अब इसका दोस्तों मान जो होता है 4314 होता है, माइनस का 1.053 है, घटाने पर दोस्तों आ जाएगा 0.6217, ठीक है। तो इसमें काम कर सकते हैं, माइनस एक जोड़ देते हैं प्लस वन, माइनस एक घटाते हैं प्लस वन जोड़ते हैं, कुछ देखिए फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में, मतलब माइनस प्लस दोनों कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में रहेगा ना, ये वाली संख्या घटाने पर, ये बड़ी संख्या थी ना, तो 0.6217, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा -1.3783। अब दोस्तों यहाँ पर लॉग एक्स था, यहाँ पर भी लॉग एक्स बराबर ही था, एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा एंटी लॉग -1.3783। इसका एंटी लॉग जब निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2390, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल आप देख सकते हैं थोड़े से कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग से लगेगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 2×3×5/7 का मान लघु गुणक द्वारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए इसको हम पहले एक्स बराबर मानेंगे, याद रखिएगा कैसे कर रहे हैं। अब दोनों दोस्तों दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स बराबर हो जाएगा लॉग 3 प्लस का, मतलब पहले 2 है ना, तो पहले लॉग 2 हो जाएगा, लॉग 3 हो जाएगा प्लस का लॉग 5 हो जाएगा, नीचे का 7 ऊपर जाएगा तो लॉग 7, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब इसको हमें हल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉग 2 का मान जो होगा हमारा 0.3010 होगा, प्लस का 3 का मान 0.4771 प्लस का लॉग 5 का मान होगा हमारा 0.6990, माइनस में होगा हमारा 0.8451, ठीक है 8451, इसको मिटा के लिख लेते हैं, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा 0.6320, और कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं ना, 1 की जगह हम 10 लगाते हैं 0 लिख देते हैं। अब दोस्तों दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग बराबर ये दिया गया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा सिर्फ एक्स, मतलब लॉग एक्स बराबर ना, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स बराबर दोस्तों आ जाएगा एंटी लॉग 0.3 मतलब 6320 गुड़े 10^0, इसका मान जो आ जाएगा हमारा 4.287, 2.85 है, यही आंसर हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग एक एक क्वेश्चन को हल करके यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं अभी। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घातांकी रूप को लघु गुणक के रूप में प्रदर्शित करना है। 13^2 = 169, यहाँ पर 202 आगे आ जाएगा 2 log 13 = 169, ठीक है। आगे लिखा था 210^3 बराबर ये, तो -3 दोस्तों आगे आ जाएगा log 10 = 10^3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कठिन ही प्रश्न आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन आता है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 1753 वर्ग मीटर, मैदान का परिमाप लघु गुणक की सहायता से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है, एक बात बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, जहां ए स्क्वायर ए वर्ग की भुजा, मतलब यहाँ पर भुजा स्क्वायर मतलब हम क्या मानते हैं वर्ग में, अक्सर ए स्क्वायर मानते हैं, जहाँ दोस्तों हमारी ए क्या है, ये हमारी भुजा है, ए स्क्वायर क्या था, ये क्षेत्रफल था। तो यहाँ पर देखिए हमारी मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो मतलब ए बराबर हो जाएगा √7 1753, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, देखिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग एक्स बराबर लॉग ए की जगह रखेंगे दोस्तों 1.7
6219। सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा 41.87। ठीक है, यही आंसर होगा। मैदान का परिमाप चारों भुजाओं का योग। ठीक है, मैदान का परिमाप लघु गुणक की सहायता से ज्ञात करना था, मतलब मैदान का जो हमारा परिमाप होगा वो चारों भुजाओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 × 41.87। सॉल्व करने पर 167.48 मीटर लगभग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यदि समुच्चय हमारा a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, तो दोनों समुच्चय का योग तथा अंतर बताना है। पहले हमें जोड़ना है फिर घटाना है। मतलब योग का मतलब दोस्तों a यूनियन b, मतलब समझ लीजिए जो दोनों में उसको सब लिख लेंगे कॉमन कॉमन, और जो है सबको देखिए 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ पर है, 6, 9, 15। तो यहाँ पर आएगा 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। ठीक है, अब a माइनस बी का मतलब होता अंतर, मतलब a में से b को घटा लेंगे। ठीक है, तो a में से b को घटाइए, देखिए 6 यहाँ पर भी 6 ये कट गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, बाकी सब जो a में है सबको लिख लेंगे, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमें गुणनखंड इसका निकालना है। अब दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना, आप कंफ्यूजन में आएंगे क्या करना। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, ऐसे लिख लेंगे, ये जो एक्स का है मल्टीप्लाई अंदर करिए तो हो जाएगा ए एक्स माइनस का, ये देखिए माइनस आ जाएगा ना, मतलब बचेगा ऊपर एक्स अपॉन ए प्लस का 1। यहाँ पर एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स माइनस का ए। यहाँ दोस्तों कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा ऊपर एक्स बचेगा, यहाँ अंदर चला जाएगा माइनस का ए बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर x माइनस इधर भी इधर भी, दोनों तरफ से x माइनस से कॉमन ले लेंगे और बचेगा x माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करेंगे, आपको दोबारा से बताया जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, इसका भी हमें गुणनखंड खंड जो भी है इसका ज्ञात करना है। सीधे से दोस्तों ए बी का जो है अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का दोस्तों ए बी वाई स्क्वायर प्लस का दोस्तों एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बी स्क्वायर, इतना हो गया। आप क्या करेंगे यहां पर, आप देखिए पहले, ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर लिखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का दोस्तों ये ए स्क्वायर को इसको पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस का दोस्तों हमारा ए बी वाई स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर a और x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, ए एक्स कॉमन ले लिए, बचेगा बी एक्स, ठीक है, इसमें बी एक्स बचेगा और यहाँ से भी ए एक्स बाहर आ जाएगा तो ए वाई बचेगा, प्लस का दोस्त यहाँ पर क्या कॉमन होगा, ए वाई, ठीक है, a नहीं बी वाई कॉमन होगा, यहाँ पर बी वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा हमारा ए वाई प्लस का बचेगा यहाँ पर बी वाई, ठीक है, ए वाई बी एक्स। तो दोस्त यहाँ पर तेरा देखिए कि हमने गलती की, यहाँ पर हमने कॉमन लिया था बी वाई, ठीक है, तो यहाँ से बी वाई में कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए वाई बचेगा प्लस का यहाँ बी और ये एक्स बचेगा ना, वाई कॉमन लिए थे तो यहाँ पर बी एक्स होगा, बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, तो मतलब हम ऐसे लिख लेंगे बी एक्स प्लस का ए वाई दोनों तरफ कॉमन हो गया, बचेगा कितना, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एक छोटी सी गलती पर आपका आंसर पूरा का पूरा गलत कर सकते हैं, ठीक है ना, छोटी सी मतलब लापरवाही। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, इसका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सीख लीजिए गुणनखंड आज निकालना है, क्योंकि फिर आज इतने क्वेश्चन हम लोग लगातार अगर हम लोग करेंगे ना तो हम लोग का गुणनखंड भी अच्छा हो जाएगा। 19x² y² + 78y⁴। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, इसका और इसका लास्ट में मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 78 आएगा, 13 × 78। ठीक है, 13 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 13 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x² y² - 6x² y²
प्लस का 78 वाई की पावर 4। अब दोस्त यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां एक्स की घात 4 था ना, तो बचेगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का 13 वाई स्क्वायर, यहां पर माइनस का कॉमन लेंगे 6 वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 13 वाई स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 6 वाई स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स माइनस 12 का गुणनखंड करना है, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों 12 गुणे 11 कर लेंगे सिंपल सा, ठीक है, 11 गुणे 12 करने पर दोस्तों 11 गुणे 12 करेंगे, 11 गुणे 12 करने पर दोस्तों हमारा 132 आ जाएगा, ठीक है, तो एक काम करना हमें 41 लाना घटाकर, तो हम एक काम करेंगे यहां पर देखिए 44 गुणे 3 करेंगे तो 132 आ जाएगा, घटाने पर 41 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये चीज हमने आपको हमेशा बता रखी है, बेसिक वीडियोस में भी बता रखा है, ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। 44 इंटू 3 था ना हमारा, तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 44 एक्स प्लस का दोस्तों 3 एक्स माइनस का 12, ठीक है, यहाँ पर 11 एक्स कॉमन ले लेंगे बचेगा एक्स माइनस 4, प्लस का दोस्तों 3 कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस 4 बचेगा, दोनों तरफ से एक्स माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 11 एक्स प्लस का 3, ये हमारा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन करके लगातार हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर माइनस 2 भागे 2 की घात माइनस 3 को हमें सरल करना है। 2017 में देखिए पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 5 इंटू 2 की घात दोस्तों 4 की पावर माइनस 2 भागे 2 की पावर माइनस 3, इतना है दोस्तों ना, देखिए जैसे रहना है उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, तो ये मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की घात 5 इंटू में 2 की पावर माइनस 8 भागे 200 2 की पावर माइनस 3। अब दोस्तों मल्टीप्लाई में तो घातें जुड़ेंगी, तो 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 2 की घात माइनस 3, ये दोस्तों भाग का चिन्ह इसको बटे में कर देंगे, 2 की घात माइनस 3 कट जाएगा, आएगा कितना 1। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे सीधे काट लीजिए या ऐसे आप इसको कर सकते हैं, 2 की घात माइनस 3 है प्लस का 3 आ जाएगा, 2 की घात 0 हो जाएगा बराबर 1 आएगा, ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो ऐसे आंसर ला सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, वीडियो बड़ी हो रही तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं आपको बताने का, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा हो जाएगा, कितना आएगा गुणा करने पर, 1 गुणे 12 12 आ जाएगा, 4 3 12 कर देंगे दोस्तों, 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है ना, इसका घटा के लाना तो मतलब 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 वाई प्लस का 3 वाई माइनस का 1, यहाँ पर दोस्तों 4 वाई कॉमन हो जाएगा, 3 4 3 12 3 वाई माइनस का दोस्तों 1 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे 3 वाई माइनस 1, 3 वाई माइनस 1 दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 वाई प्लस 1, ठीक है, ये आंसर। तो अगले प्रश्न में चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 4 गुणे 5 की पावर माइनस 2 1 बटे 10 भाग का चिन्ह 1 बटे 10 की पावर स्क्वायर है, 3 बटे 4 को सरल करना है, 4 पंजे 20, 20 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 2, प्लस दोस्तों भाग का चिन्ह है ना, तो भाग का चिन्ह 1 बटे 10 मतलब ये हो जाएगा 1 बटे 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ये जैसे दोस्तों दिया गया वैसे हमें करते हुए चलना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्लस का 3 बटे 4, ठीक है, ये जो भी ब्रैकेट ऐसे लगा है, तो 20 की पावर माइनस 2 का मतलब है दोस्तों 1 बटे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, मतलब 1 बटे 400 भाग का चिन्ह, ठीक है, तो उसके बाद 1 बटे 100 दिया गया। एक सेकंड दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पर दोस्त ये प्लस का चिन्ह दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 3 बटे 4 है, अब यहाँ पर दोस्तों 400 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 बटे 4, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एक 5, 5 बटे 400 हो जाएगा, प्लस दोस्त यहाँ पर 3 बटे 4 लिखा है, अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 100 से, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 बटे 400 प्लस दोस्तों हो जाएगा 300 बटे 400, जोड़ने पर आ जाएगा 305 बटे में 400, ठीक है, अब इसको दोस्तों भाग करके जरा देख लेते हैं, 5 से भाग करिए, 5 6 30 5 1 5 5 8 40 0,
यह आ जाएगा हमारा 61/80, यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। गुणनखंड हमें ज्ञात करना था 15x की पावर 4 3x² - 18 का। तो सिंपल था, मैं आपको बता रखा है पहला इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा दोस्त। तो यहाँ पर घटाने पर 3 आना चाहिए, तो 18 × 15 और उसके बाद दोस्तों 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 15x की पावर 4 + 18x² - 15 ये दिया गया, 3x² कॉमन हो गया, 3 × 5 = 15, 6 ऐसे ऐसे कॉमन करके आ गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका भी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया प्रश्न, 8 × 3 करेंगे, 8 × 3 = 24, तो 12 में से 2 12 दूनी 24 करेंगे, 12 में से 2 घटेगा, फिर कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x² + 12x - 2x - 8, 3x कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, x + 4 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, x + 4 बचेगा, x + 4 दोस्तों दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x - 2, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहा, इसको दोस्तों 3x - 6 से भाग देकर भागफल तथा हमें शेषफल बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों में मजा आती है। 3x - 6 से भाग देना है 15, ठीक है, x³ - 20, x² + 13, x - 12। सबसे पहले दोस्तों किससे जाएगा, 5x² से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 15 x² - 5 × 30, ठीक है, x² यहाँ दोस्तों माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कटेगा, यहाँ पर बचेगा 10x² + 13x। अब दोस्तों 10x² लाना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 10/3x से। क्यों करेंगे, जरा देखिए, अगर हम 10/3x को मल्टीप्लाई करते हैं 3x से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 से 3 कटेगा, बचेगा 10x² और हमें यहाँ पर देखिए 10x² लाना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10x², आप 10/3 का मल्टीप्लाई ऐसे करिए, 10/3x × 6 से गुणा करिए, 3 × 2 = 6, तो कितना आ जाएगा बताइए, 10 × 2 = 20x आएगा ना, माइनस का दोस्तों 20x हो जाएगा, ये हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये घटेगा, 20 और 13 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 33x - 12। अब दोस्तों कितनी बार जाएगा बताइए, अब दोस्तों इसको हम 11 बार ले जाएंगे, तो 11 × 3 11 × 3 = 33x, ठीक है, माइनस का 6 11 × 6 = 66, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 66 में से दोस्तों 12 घटेगा, 54 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो आ रहा है, ये 54, ये हमारा शेषफल है, ये दोस्तों जो आ रहा है ये हमारा, ये टोटल इतना, ये हमारा क्या है, भागफल है। ये हमें बताना था, क्वेश्चन पेपर में अलग से लिख लेंगे भैया, भागफल ये शेषफल ये। अगला क्वेश्चन आता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बहुत ही मजा आती है ना गुणनखंड देखते। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा, 14 कम 14, 7 दूनी दोस्तों क्या होगा, घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -x² - 5x + 14, माइनस कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² + 5x - 14, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आएगा बाद में माइनस को मैनेज कर लेंगे, ऐसे करते हैं पहले। अच्छा जरा, तो पहला लास्ट का गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा, 7 × 2 करेंगे 14 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का बाहर रहने देते हैं, x² + 7x - 2x - 14, एक्स कॉमन ले लेंगे, x + 7 बचेगा, -2 कॉमन लेंगे, x + 7 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा x + 7 दोनों तरफ से कॉमन होगा, x - 2 और आ जाएगा, और ये बाहर का माइनस, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 - x हो जाएगा, ठीक है, एक ही में तो माइनस जाएगा, बाकी x + 7 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ना, प्लस में थोड़ी नहीं, दोनों में माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग हर एक प्रश्न को कर पा रहे हैं गुणनखंड के, ठीक है, 2019 में भी देखिए गुणनखंड से क्वेश्चन पेपर में आता है 2019, ठीक है। तो x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए, तो कैसे करेंगे, x² ये है, अब दोस्तों यहाँ पर एक काम करते हैं, x² लिखा है, माइनस का y² इधर लिखते हैं, -2y - 1, x² है, माइनस कॉमन ले लेंगे, y² + 2y + 1, तो ये दोस्तों देखिए ये y + 1² का फार्मूला बन गया, क्या होता है ये y² हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाएगा, +2y होगा,
वही यहाँ पर लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला बन गया, अब हमारा एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो लिखेंगे एक्स प्लस का वाई प्लस वन, ठीक है। दूसरा होता है ए माइनस बी, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस वन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, इसको साइड में रखते हैं, माइनस वन रहेगा ना ऐसे। एक सेकेंड दोस्तों, ये माइनस वन ये हो गया और ये इसको साइड। अब चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि संख्या एक से लेकर बीस तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक से बीस तक सम संख्या कौन कौन सी होगी, दो चार छ आठ दस, ठीक है, बारह चौदह सोलह अठारह बीस, ये हो गया। समांतर माध्य ज्ञात करना है, सभी संख्याओं को जोड़कर टोटल संख्या जितनी उससे भाग कर देंगे। दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस, टोटल संख्या गिनिए कितनी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस बटे में दस बराबर 200, जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 110 बटे 10, कट कर देंगे आंसर आ जाएगा 11। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, देखिए दो नंबर का प्रश्न है ये, इतना छोटा सा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। डीएलएड में दो बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, 17 और 16 में। भार 200 किलोग्राम में दिया गया, बारंबार था छात्रों की संख्या 40, 42, 43, 44, 45, ये सब। दोस्तों यहाँ पर एक्स देख सकते हैं भार, ये दिया गया छात्रों की संख्या, दोस्तों दी गई है बारंबार था। तो सबसे पहले हमने एफ इंटू एक्स मतलब दोनों का मल्टीपल, 40 × 4 = 160, 42 × 12 कर लिया, सब में मल्टीप्लाई किया मतलब, ठीक है ये आ गया। तो एन का दोस्तों जो टोटल ये संख्या थी इसको जोड़ लिए, जोड़ने पर 50 आ रहा है, इसको टोटल जोड़े तो 2148 आ रहा है, इतना हमने कर लिया। देखिए जो चीज है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर समांतर माध्य निकालना था, तो इसके लिए फार्मूला हमने यूज किया समांतर, ठीक है, माध्य बराबर दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। एफ एक्स कितना था, 2148 अपॉन में दोस्तों 50, भाग करने पर दोस्तों हमारा आ गया 42.96, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया 21.5, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के का मान निकाला, वही दोस्तों यहाँ पर हमने देखे सब कुछ लिख लिया सीरियल से, ठीक है, बारम्बार था, फिर वही 5 × 6 = 30 हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दिए और दोस्तों इन संख्याओं को सबको जोड़ दिए, तो जो भी आएगा जोड़ने पर 15 प्लस के आ गया, और यहाँ पर भी दोस्तों मल्टीप्लाई में भी के था, तो ये आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमने फार्मूला में क्या यूज करेंगे बताइए, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर दोस्तों हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। समांतर माध्य दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया 21.5, 21.5 बराबर ये दोस्तों आया हमारा 35 के प्लस का 255 अपान में दोस्तों हो जाएगा 15 प्लस के, इसको हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर तिरिया गुड़ा होगा, मल्टीप्लाई ये सब करके हमारा जो के का फाइनल आंसर आएगा वो बता देते हैं आपको, 5 आएगा, ठीक है। अगर आपको जोड़ घटाने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आंकड़ों को हम आरोही क्रम में मतलब बढ़ता हुआ क्रम, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 ये बढ़ रहा है। पदों की संख्या दोस्तों एन बराबर 10 है जो कि सम संख्या, जब सम संख्या होगा तो फार्मूला माध्यिका का लगेगा, एन बाई टू में पद का मान प्लस एन बाई टू प्लस वन वे पद का मान बटे दो। अब पदों की संख्या दोस्तों 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 वे पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन में 2, भाग करने पर 2 × 5 = 10 आएगा दोस्तों, 2 × 5 = 10 = 6 मतलब पांचवें पद और छठे पद का मान, पांचवा पद कौन था 3, पांचवा पद 11, छठा पद 2, ठीक है। तो 11 + 12 आ जाएगा अपॉन में 2, 11 × 12 जोड़ने पर आ जाएगा 23/2, भाग करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 5 = 10, 11.5। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दोस्तों दिया गया, बारंबारता दिया गया, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही दोस्तों बहुलक बनेगी। देखिए उपयुक्त सारणी में 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, 26 है, जिसका मान 26 आता है सबसे अधिक बारंबारता वाला पद बहुलक होगा, ठीक है हो गया। एक घन की दोस्तों भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है, बताइए कैसा होगा। आयतन का दोस्तों फार्मूला होता है हमारा a³
तीन का दोस्तों क्यूब कर दीजिए, 3 त्रिक 3 गुणे 3 गुणे 3 करिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए या घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का दोस्तों फार्मूला फिर से आपको बता रहे हैं, 1 क्यूब होता है, तो 5.5 का होल क्यूब हम कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 166.375 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, आयतन तो आ गया, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण ठीक है पृष्ठ का जो फार्मूला होगा 6a² होगा, 6 होगा उसके बाद मल्टीप्लाई में इंटू में 5.5 का स्क्वायर होगा। इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि हमारा लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों घनाभ की लंबाई दी गई है कितना, 75, 15 और ऊंचाई दोस्तों 5 है, गुटकों की संख्या दोस्तों दी गई है, तो घनाभ का जो आयतन आएगा, ठीक है, घनाभ का जो आयतन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, मतलब 75 गुड़े 15 गुड़े 5, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो गुटके का आयतन बनेगा, गुटके का आयतन यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 15 गुड़े 3 गुड़े 1, ये देखिए 15 3 1। अब गुटकों की संख्या दोस्तों अगर हमें निकालनी होगी, गुटकों की संख्या, ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी घनाभ का आयतन, ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अपान में दोस्तों हो जाएगा एक गुटके का आयतन, एक गुटके का आयतन हो जाएगा दोस्तों हमारा 75 गुड़े 15 गुड़े 5, अपान में दोस्तों आ जाएगा 15 गुड़े 3 गुड़े 1। सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा 125 आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 15 से 15 कट गया, 3 दूनी 6 3 5 15, 25 5 125। अगला प्रश्न है हमारा, 10 सेंटीमीटर भुजा के दोनों घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोनों देखिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर के जो भुजा के दो घन है दोनों को सटाकर रखा गया है। घनाभ के दोस्तों जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, जुड़े हुए घनाभ के दोस्तों जो लंबाई हो जाएगी 10 प्लस 10, जब जोड़ दिए जा रहे हैं तो घनाभ की जो लंबाई होगी, जुड़े हुए घनाभ की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 10 प्लस 10, मतलब 20 सेंटीमीटर। और घनाभ की दोस्तों चौड़ाई जो है वो कितनी है, 10 है, ऊंचाई दोस्तों जो है वो भी हमारी 10 सेंटीमीटर है। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 गुणे 20 गुणे दोस्तों 10 हो जाएगा, प्लस 10 गुणे 10 प्लस का 10 गुणे 20, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, तो यहाँ से सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा हमारा 2 गुणे 20 दामा 200 प्लस का 100 प्लस का 200, 200 100 300 300 200 500 500 गुणे 2 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रश्न आ गया, डीएलएड 2018 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आयतन हमें बताना है। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया भी गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की दोस्तों जो ऊंचाई दी गई है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मतलब 100 गुणे 10 कर देंगे आंतर आ जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। ये होता है दोस्तों, देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो इतनी तेजी से आप सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड मिनट। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु के आधार पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शंकु की दोस्तों ऊंचाई दी गई है, पहले
ठीक है, हाइट h बराबर दी गई है 12 सेंटीमीटर, शंकु की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर 203.5, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं तो 3.5 से थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई, हाइट हो गई और हमारी 200 त्रिज्या आ गई, आर आ गई। अब दोस्तों यहाँ से हम त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं, एल बराबर दोस्तों फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। हाइट कितनी दोस्तों हमारी, ऊंचाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोस्तों आर की जगह हम रखेंगे 7/2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 7/49/4। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा हमारा टोटल 625/4 अंडर रूट में, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 25/2, ये बाहर आएगा रूट के, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तिरछी ऊंचाई आ गई, त्रिज्या ऊंचाई। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है हमें निकालना क्या था, वक्र पृष्ठ और आयतन। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, अब पाई की जगह दोस्तों रहेगा हमारा 22/7, आर की जगह रहेगा 7/2, एल दोस्तों आया था हमारा 25/2। सॉल्व कर लेंगे तो कट्टम कुट्टम करिए दोस्तों, यहाँ से 2 से भाग करेंगे 11 बढ़ जाएगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 25 × 11 कर लीजिए, फिर इसको 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला दोस्तों हमारा है शंकु का आयतन निकालना है, आयतन। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, 1/3 दोस्तों पाई की जगह 22/7, आर का मान 7/2, तो 7/2 × 7/2 × h की जगह 12, 1 7 से 7 कट गया, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3 कट गया 22 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15, 154 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये होता है अप्रोच करने का, कितनी तेजी से क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप भी ऐसे ही तेजी से आंसर ला पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि भाई व्रत क्या होता है, इसकी परिधि जीवा तथा व्रत खंड को हमें समझाना है। तो यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो कि समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती, मतलब समान रहती, मतलब यहाँ त्रिज्या से दोस्तों जो दूरी होगी यहाँ पर ये भी उतनी होगी, दैर्ध्य उतनी होगी, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी गई आकृति को वृत्त कहते हैं। ये दोस्तों बाहर जो हमारा दिख रहा है ये क्या, हमारी परिधि है, ये परिधि लिखा गया, ये त्रिज्या है, व्यास है, जीवा है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र सेंटर तथा इस केंद्र से वृत्त की प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। परिधि क्या होता है, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की जीवा और व्यास। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं तथा ऐसी जीवा को वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त की व्यास कहलाती है। वृत्तखंड, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, इन दो भागों में से प्रत्येक को वृत्तखंड कहते हैं, छोटा भाग लघु वृत्तखंड व बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ये दोस्तों देखिए जैसे दो भाग में कट हो रहा ना, ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग, इन खंडों में से प्रत्येक को एक दूसरे का एकांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। अब दोस्तों यहां पर देखिए, एक हमने फिगर ड्रा किया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों ये, और इस जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये देखिए केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। दूरी दोस्तों पहले क्या है हमारी, 5 है, फिर 5 से 12 हो रही है। जीवा दोस्तों हमारी क्या है, पहले दोस्तों हमारी 24 है, अब 24 से क्या हो जाएगी दोस्तों, ये एक्स हो जाएगी। इसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे 12:5 समानुपात 24:x। ठीक है, ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई बाहर बाहर का अंदर अंदर का, तो 12x बराबर हो जाएगा 24×5, 12 × 24, x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, देखिए यही होती है प्रैक्टिस आपकी। कोई दिक्कत होगी दोस्तों कमेंट करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से उसको अलग से क्वेश्चन को समझा जाएगा।
अगला प्रश्न है देखिए हमारा कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, ये देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये मान लेते केंद्र ओ ए, ठीक है, अगर ओ ए की लंबाई दोस्तों में ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो फिर बहुत ही मजा आती है। यहां पर दोस्तों जो ये हमारी जीवा दिख रही नीचे, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लिखा है, ये 5 की लंबाई यहाँ बीच में रखी है, वो इतना आधा 5 होगा, पूरा 210 था तो ये 12 5 हो गए। ये अगर ये निकालना तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर बराबर ये होगा, या ओ ए बराबर दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा 144 प्लस का 25, जोड़ने पर 169 आ जाएगा, सॉल्व करने पर ओ ए का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिए, संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है, सी बी क्यू 48 अंश है, सी बी क्यू, सी बी क्यू ये वाला दोस्तों कोण हमारा 48 अंश है, ए बराबर दोस्तों 2 बी के हैं, ए दोस्तों कहाँ गया, ये वाला हमारा जो है ये 2 बी के हैं, तो बी का मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला दोस्तों कोण हमें बताना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों पहले हम त्रिभुज बी सी क्यू में देखेंगे, बी सी क्यू ये वाला जो त्रिभुज हमें दिख रहा है, त्रिभुज बी सी क्यू में, अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, देखिए हमें ये वाला बी वाला कोड पता है, क्यू पता है, ये वाला दोस्तों जो कोड होगा डी सी बी ये होगा दोस्तों हमारे इसका ये दोस्तों दो अंत कोडों के योग के बराबर होगा, जो इसका मान आएगा ना ये वाला 48 और बी के बराबर, तो ये कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 48 प्लस बी, ठीक है। ये वाला दोस्तों जैसे हमारा कोड निकल आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला आप देख सकते हैं कोड, ये वाला जो कोड 48 अंश है तो ये वाला कोड कितना होगा, ये भी 48 होगा, क्यों होगा, शीर्षा विमुख कोड है। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम ये वाला कोड निकालेंगे तो ए और ये 48 के बराबर होगा, ये वाला कोड हो जाएगा ए प्लस 48। अब चक्रीय चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी में देखेंगे तो ए और सी आमने सामने कोडों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये हम लिखेंगे 48 प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों ए प्लस का हो जाएगा 48 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जब पेपर में मिलते हैं ना तो फिर दिमाग आपका घूमता है। जोड़िए दोस्तों ए प्लस बी प्लस 248 48 96 बराबर 180 एन, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बराबर 84, 180 में से 96 घटाएंगे तो, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में बोला गया है ए बराबर 2 बी है, एक जगह 2 बी रख दें प्लस का बी बराबर 84, या 200 जोड़ने पर 3 बी बराबर आ जाएगा 84, या बी का मान आ जाएगा 84/3, 3 × 6 3 8 24, बी का मान आ जाएगा 28 अंश, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो हमें बी का मान ज्ञात करना था, बी का मान आ गया 28। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। ये वाला दोस्तों जो हमारा आया था ये बहिष्कोण वाले से नियम से लगाया था, बहिष्कोण बराबर क्या होता है, दो अंत कोणों का योगफल, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको यूज करना है, आपके सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन होते जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु को समझाना है। स्पर्श रेखा क्या होता है, टेंजेंट लाइन। जरिए देखिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद अथवा स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, तथा इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोस्तों देख सकते हैं स्पर्श रेखा ये पूरी है और स्पर्श बिंदु भी पी होगा। रेखा एल वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु हम कहते हैं, अतः वृत्त पर वह बिंदु जहां रेखा वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु पी लेना है, पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। जी हाँ दोस्तों गोला प्रकार की नोक ऐसे रखेंगे, 3 सेंटीमीटर की एक ऐसे वृत्त खींच देंगे, बिंदु पर एक बिंदु या पी ले लेंगे और वहां से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देंगे। जी हाँ दोस्तों देखिए आप एक बिंदु लिया गया, हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बिंदु हमने पी लिया था ये, तो आप ऐसे मिला लीजिए, यहाँ पर भी बिंदु लेंगे दोनों मिल जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, अब आज का अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है जिसका केंद्र ओ है, ये ओ है, इस वृत्त की दो त्रिज्या ओ ए ओ बी इस प्रकार है, ए ओ बी 120 अंश है,
एक मतलब रेखा खींच लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ओ ऐसे हम लोग खींच लेंगे वृत्त बनाने के बाद, 120 अंश का कोण बना के ओ भी मिला दीजिए, ठीक है। बिंदु ए और बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचे, यहाँ पर ए पर दोस्त एक स्पर्श रेखा बी पर खींचेंगे, और जो पी पर प्रतिच्छेद करती है रचना लिखना। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या करना देखिए समझिए। एक वृत्त आप ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, बिंदु लीजिए कोई ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर दोस्त 120 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये 120 अंश का कोण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचिए खींचिए, ये बिंदु पी पर मिलेगा, बात खत्म, ठीक है। इतना आसान हो गया, रचना बाद में अपने आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना, इस वृत्त से केंद्र के 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। पहले दोस्तों 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त, त्रिज्या का एक वृत्त ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। इस यहां से मतलब 4 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 4 इधर भी होगा, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब दोस्त ये बिंदु है, अब यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा, यहां पर दोस्तों ऐसे 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 स्पर्श रेखा हम खींचेंगे। ये बिंदु ओ है, ये 4 सेंटीमीटर दूरी थी, ये टोटल 6 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से पी मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये होते हैं दोस्तों क्वेश्चन करने के लेवल्स, कितने मजा आती करने में। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिलेगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5, ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कमरे के दोस्तों जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में दोस्तों मतलब इंटू में होता है ऊंचाई। दो दोस्तों लंबाई कितनी दी गई, 4, चौड़ाई 3.5, 4 प्लस 3.5 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 3। तो 2 × 4 = 3 = 7, 7.5 × 3 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा क्षेत्रफल आ गया, हो गया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन देखिए, चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ओ बी सी दोस्तों हमारा 45 अंश, ये वाला 45 है, बी ए सी तथा बी ई सी का मान, बी ए सी ये वाला दोस्तों कोण निकालना है और बी ई सी ये वाला कोण बताना। ये दोस्तों दोनों देखिए चक्रीय चतुर्भुज में लगाएंगे, रुकिए आपको बताते हैं। पहले दोस्तों ये कोण कितना होगा, ये भी 15 हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों त्रिज्या है, दोनों भुजाएं बराबर है ना, ओ ए ओ बी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी 15 अंश, 15 ये, 15 ये, तो ये वाला कोण बताए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 15 15 30 घटाने पर 150 आ जाएगा, तो ये वाला दोस्तों कोण हमारा 150 अंश हो जाएगा। कैसे, 15 प्लस 15 इसको एक्स मान लेते हैं, बराबर त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एक्स बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 180, 15 15 30 घटाने पर 150 आ गया। अगर दोस्तों ये वाला कोण 150 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75, ठीक है, 75 पी है दोस्तों, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं, तो 75 प्लस एक्स बराबर 180 अंश, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 105 अंश, क्योंकि दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योगफल भी 180 अंश होता है, तो ये 105 आ गया, ये वाला 75 आ गया, ठीक है। बी ई सी ये वाला हमारा हो जाएगा कितना, 105, और ये वाला दोस्तों कोण हो जाएगा 150। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र यहां पर फिर से, ठीक है, यदि ए बी सी 40 अंश है, ए बी सी ये 40 अंश है दोस्तों, सी ए बी 80 अंश है, सी ए बी ये पूरा कोण 80 अंश है, तो ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए, ए डी बी ये वाला दोस्तों में बताना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में आपको, देखिए आपको बता दें, ये वाला दोस्तों कोण पता है, ये पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 अंश, ये 80 है, ये 40 है, ये वाला कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। अगर दोस्त ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। कितने जल्दी हम लोग करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये वाला कोण अगर हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 80 हो जाएगा ये वाला कोण, और ये वाला 40 बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योगफल, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, 40 80 जोड़ने पर 120 आएगा, x का मान आ जाएगा दोस्तों हमारा 60 अंश, ये 60 आ गया। तो दोस्तों हमारा जो ए डी बी होगा वो ए सी बी के बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए दोस्तों ये बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं आज के। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। धात्विक टुकड़े का जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 6a² होता है ना, आपको बताया था हमने इस क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। तो 6a² बराबर 216 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 216/6, 6 3 18, 6 6 36, a बराबर 200 हो जाएगा √36, तो a का मान आ जाएगा 6। a का मान 206 आ गया, तो हमें घन का आयतन निकालना है, तो a का मान कितना है, 6 है, तो आयतन का 200 जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, a क्यूब, या भुजा का क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो 6 का 200 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6 आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25, 10 व 7.5 सेंटीमीटर है और 205 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगने की। अब एक चीज जरा समझिए पहले, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यहाँ 5 मीटर आ गया। पहले 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100 सेंटीमीटर, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा, अब दोस्तों हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ईंटों की संख्या बराबर, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा था, दीवार का आयतन, दोस्तों दीवार का आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई जो भी था, तो हो जाएगा हमारा दोस्तों, पहले रुकिए, दीवार बनने में ईंटों की संख्या, तो इतनी मोटी दीवार है ना, दीवार का दोस्तों जो आयतन होगा, लिखिए पहले ऊपर, दीवार का आयतन अपान दोस्तों हो जाएगा हमारा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, दीवार का दोस्तों आयतन कितना हो जाएगा, 500 जो भी हमने निकाली है 5 मीटर गुणे 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है ना ये भी, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 35, 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे 350 गुणे दोस्तों हो जाएगा 33, अपान में दोस्तों ईट में 25, 10 और 7.5, 25 × 10 × 7.5, इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 3080 ईट, ठीक है। इसको भाग भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा ऐसे, 25 × 50 × 7.5 से जो भी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का युग्मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हर तरह का प्रश्न आपको पेपर में मिल सकता है, हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी आपके होनी चाहिए, डीएलएड 2019 का प्रश्न ही है। अब दोस्तों देखिए भुजा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं ए बी सी, तो इसमें दोस्तों ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी बराबर दोस्तों हो जाएगा कोण ए सी बी, यहां पर कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये वाला कोण भी बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, मतलब कोण ए बी सी का मान 180 अंश होगा, ऐसे आप लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखिए कोण ए बी सी प्लस का कोण ए सी बी प्लस का कोण बी ए सी बराबर 180, ठीक है। ये हम शॉर्टकट आपको लिख के दिखाए थे। तो यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, ठीक है। ये वाले समान कोण है तीसरे कोण से, मान लेते ये वाला जो तीसरा कोण x है, तो ये दोनों कोण कितने होंगे, 4x होंगे, 4x होंगे। यहाँ पर लिखिए ए बी सी, मतलब ये हो जाएगा 4x प्लस ए सी बी, ये भी 4x प्लस ये x बराबर 180, जोड़ने पर हो जाएगा 4 8 1 9x बराबर 180 डिग्री। x का मान आ जाएगा दोस्तों 9 से भाग लिए 9 2 18 0, x का मान 20 आ गया, ठीक है। एक x का मान 20 आ गया, तो 200 जो दूसरा 4x माने थे, तो x की जगह हम 20 रख देंगे, तो 4 × 20 यह आ जाएगा 80 अंश। तो
अस्सी अंश, अस्सी अंश, 20 80 80, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन का फिगर बना दिया गया है जी। ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला, अब यहाँ पर उसका फिगर बना है। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं इसको। मतलब लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हमें दोस्तों हाइट पता है, त्रिज्या पता है, तो त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेंगे। एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 8 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए ऐसे अंडर रूट में, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 208 का स्क्वायर 64 आ जाएगा अंडर रूट में 279 बराबर दोस्तों इसका बाहर आएगा तो 17 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई आ गई हमारी। हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, सिंपल सा। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बताइए, होता है पाई आर एल। पाई रहने देते हैं, आर का मान दोस्तों हमारा कितना है 8 है, एल का मान 17, 17 8 होता है दोस्तों 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें इस फिगर का है भैया, इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, इसको हटा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिया गया वृत्त में जीवाएं ए बी एवं सी डी परस्पर समकोण पर काटती, ए बी दोस्तों और सी डी समकोण पर ये दोस्तों काट रही है, बी डी सी दोस्तों ये कोण हमारे एक अगर 15 अंश है, बी डी सी, बी डी सी ये वाला कोण दोस्तों 15 अंश है, तो ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी डी ये वाला कोण हमें बताना है, तो डी ई बी दोस्तों कितना हो जाएगा, ये वाला कोण दोस्तों हमारा 90 अंश होगा, ये 15 है, तो ये वाला दोस्तों कोण अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। डी बी ई ये वाला कोण कितना आ जाएगा, एक 15 दोस्तों एक 90 है, अगर इसको हम एक्स भी मान लेते हैं बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तो 15 90 105 हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 75। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाला कोण हमारा कितना है 75 अंश आ गया, तो ये वाला कोण कितना आएगा दोस्तों, ये भी हमारा 75 ही आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये गलती आप लोग मत करेंगे। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये 15 है तो ये भी 15 होगा, नहीं ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो तैयारी रखेंगे। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मूलधन इसको P मान लेते हैं, समय दोस्तों T, अंतर 100 है। ठीक है, इसको निकालते हैं। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर दोस्तों जो होता है हमारा क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, P का मान दोस्तों 1000 10,000 है, R का मान दोस्तों नहीं पता है, समय 2 है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 × 2 कितना हो गया 200 R। साधारण ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों में ज्ञात करना हो जैसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको CI लिखते हैं, इसको देखिए एक बात बता दे, इसको SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला था पी 1 + R/100 की पावर T, माइनस का दोस्तों P होता है। इसको सॉल्व करेंगे, पी कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, देखिए पी की जगह रखेंगे 10,000। ठीक है, यहाँ पर पी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 + R की जगह नहीं पता 100 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1000 10,000 1 + 1 + B का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलिए, 1² + B² R² अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 + 2AB + 2R अपॉन 100 माइनस का 1। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा 1000 10,000। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10,000 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में जहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है।
तो दोस्तों यहां पर देखिए ये वन से ये वन कट जाएगा, यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस टू आर, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देखिए जो हमारा एलसीएम था, देखिए कि आपको बता दे, रुकिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, एलसीएम आपको ठीक से बता दें कैसे हमने निकाला। तो यहां पर दोस्तों 100 लिखा था ना, तो 100 में हम क्या करेंगे, सिंपल था दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई अंत व हर में कर देंगे। तो यहां पर 200 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा यहां पर 200 आर होगा, ठीक है। और ये 1 से 1 कट गया, ये 10,000 से 10,000 कट जाएगा, यहां पर बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस 200 आर बचेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, और ये ऊपर वाला था हमारा समीकरण नंबर, ठीक है, ये 1 था जो हमारा ऐसा आया था, सिंपल इंटरेस्ट आया था, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 100 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारा आर स्क्वायर प्लस 200 आर, माइनस का दोस्तों हमारा था 200 आर का जो अंतर है, क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कितना है, 100 का है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बराबर में 100, ये 200 से ये कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर बचेगा 100, या आर बराबर 200 हो जाएगा अंडर रूट 100, या आर का मान आ जाएगा 10, 10% ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया समझ गए, ये वाला जो स्टेप था दोस्तों बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए बोला गया था चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकला था, ये निकला था आर स्क्वायर प्लस का 200 आर, ठीक है, और साधारण ब्याज का अंतर मतलब हमारा 200 आर का अंतर 200 100 दिया गया था, ये दिया गया था, ये क्वेश्चन में बोला गया, ये कट गया, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर का मान 10। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न की तरफ अभी हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। संख्याओं को मूल लो के रूप में आपको लिखना है, 16 की पावर 1/2, 125 की पावर 1/3, 11/17 की पावर 1/11। 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग पहले, इसका मतलब होगा दोस्तों 16 की पावर 1/2 का मतलब होगा ये 16 का अंडर रूट, ये हमने लिख लिया। 25 की पावर 1/3 का मतलब होगा क्यूब रूट, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए अंडर रूट में यहाँ 2 रहता है, क्यूब रूट में यहाँ पर 3 रहता है, या कभी कभी यहाँ 4 रहेगा। 11/17 की पावर 1/11 का मतलब है 11/17 की, ये दोस्तों जो अंडर रूट के आगे 11 लिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ऐसे लिखा है, यहाँ 11 रहेगा, फिर उसके बाद 11/17। अगला क्वेश्चन है मान बताना है, 3 क्वेश्चन दिए गए, 8 की पावर 1/3। अब दोस्तों देखिए 8 की घात 1/3 लिखा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3, इसको लिखें 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 बचा, मतलब 2 आंसर, यहाँ 2 आ गया। 27 की घात 2/3 लिखा है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 × 27, मतलब 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब इसका टोटल दोस्तों 2/3 पावर है, 3 से 3 कटेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 9। उसके बाद दोस्तों दिया गया क्वेश्चन में हमारा 125 की पावर 2/3, 125 को क्या लिख सकते हैं आपको बता दें, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, टोटल क्यूब 2/3, 3 से 3 कटा, 5 का स्क्वायर आ गया 25, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 है, तो यही आंसर। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, और हमने कोशिश किया कि जल्द से जल्द आपको बता सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए पहले आप लोग, 8738079216, 8738079216। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कितने क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए उसको भी कमेंट करेंगे, बाकी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, अब ये आसान क्वेश्चन आपको दो दो नंबर पेपर में देके जाते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए कितने आसान है, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आपने ऐसे प्रश्न किया नहीं है, तो 100% हम आपको बता रहे हैं पेपर में आप घबरा जाएंगे और ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दिखने में आसान होते हैं लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाते। चलिए दोस्तों सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।